तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली फूड शौकीन में। तो अनलिमिटेड फूड की तलाश आज हमें ले आई है वेस्ट दिल्ली सुभाष नगर में, और आज हम आपके लिए एक डील लेके आए हैं जिसमें मिलेंगे अनलिमिटेड आलू नान, अनलिमिटेड मिस्सी रोटी, अनलिमिटेड बटर रोटी, और ये सब कुछ मिलने वाला है अनलिमिटेड। और चार तरह की आपको सब्जी मिलेंगी जिसमें कोई भी आप दो लेंगे और सब खाएंगे अनलिमिटेड, और वो भी मात्र 120 में। मतलब जितना चाहो उतना खाओ, अनलिमिटेड आलू नान थाली मात्र 120 में। लोकेशन की बात करूं, इस समय हम खड़े हैं सुभाष नगर, और आज हम आपको लेकर आए हैं चूरमा पे। और अगर मेरे ऑपोजिट देखेंगे, सामने है मिराज सिनेमा, मिराज सिनेमा के बिल्कुल सामने आउटलेट है जहाँ पे ये आपको अनलिमिटेड डील मिलने वाली है। अब बातें कम करेंगे, स्वाद ज्यादा लेंगे, अब फटाफट से अंदर चलते हैं, पहले ये थाली लगवाते हैं और वो भी अनलिमिटेड खाएंगे, और साथ में थाली लगवा के टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा होगा। तो जल्दी से आ जाइए। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हमारी थाली की मेकिंग हो गई है स्टार्ट। ये पहले लगाया जा रहा है हमारा आलू का नान और साथ में मिस्सी रोटी। तो ये देखिए, ये जा रहा है आप तंदूर में, क्या बात है। तो ये देखिए, ये गया आलू नान, अब अगली जाएगी मिस्सी रोटी। ये देखो जरा, ये गई मिस्सी रोटी, धनिया लगा दिया इस पर। चलो देखिए, ये लास्ट आ गया हमारी है सादी, ये प्लेन बटर रोटी है। तो तीनों आइटमें लगवा लिया हमने, ये गई जी तंदूर में। अब ये बाहर निकलेगी तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले आ गई मिस्सी रोटी और दूसरा यहाँ पे अब हमारा आ रहा है। तो ये आ गया जी हमारा आलू नान। अरे वाह भाई, लुक्स देखो कितने जबरदस्त लग रहे हैं भाई नान की। मतलब ये तो भैया आज लूट के जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, लूट जाएंगे आज आपको 120 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये अब हमारी पहली आइटम हो गई है शाही पनीर, अब अगला लगवाते हैं दिल दाल मखनी। तो ये आ गई सेकंड आइटम हमारी थाली में, तो ये शाही पनीर और आगे दाल मखनी। अब अगली आइटम लगवाते हैं, अब इसमें क्या क्या रह गया, इसमें सलाद आएगा और वो आएगा रायता और सलाद। तो देखो अब थाली की तीसरी आइटम आ गई है रायता, क्या बात है। मतलब इसमें भैया गाजर डाली हुई है, बहुत बढ़िया, और साथ में अब आएगा सलाद, बहुत बढ़िया, साथ में प्याज आ गए, और ऊपर से आ रही है जी चटनी, वाह जी वाह। तो ये आ गई ऊपर से चटनी। तो ये अब हमारी थाली तैयार हो गई, अब इसमें नान रखवाते हैं और उसके बाद अपनी दूसरी थाली रखवाते हैं कि इसमें और क्या क्या आइटम मिलने वाली है। छोले भी हो गए तैयार, ये देखो जरा, ये गए जी छोले। अगली थाली में अब हमारे छोले लग गए हैं, अब लास्ट रह गया अब हमारा पालक पनीर, अब पालक पनीर लगवाते हैं। ये देखो जरा, ये आगे जब हमारा पालक पनीर भी, और इसमें भी आएगा जी रायता साथ में। तो अब हमारी थाली लग गई, अब फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं अब इस सबका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो लीजिए, अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, हमारे सामने लग चुके हैं नान, साथ में हमने जो दो थाली लिए, मतलब एक थाली में कोई एक दो आइटम, आप कोई भी दो सब्जियां चूज कर सकते हो। तो चारों दिखाने के लिए हमने लिए दो थालियां, तो आप दो बंदे मिलकर अनलिमिटेड खा सकते हो। मतलब एक बंदे के लिए 120 में अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ। तो पहले थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाते हैं। ये आगे जी इनकी दाल मखनी, मतलब रंगत काफी लाजवाब लग रही है, थोड़ा सा ओ पास आगे देखो जरा, काफी लाजवाब लग रही है। और साथ में आगे शाही पनीर, पनीर देखो जरा पूरा हाथों हाथ तड़का मार के दिया है, और साथ में हमें मिला है रायता, रायता भी मिला है। और अगली थाली जो हमने ली है, अगली थाली में हमने लिया है ये है जी इनका पालक पनीर, काफी सुंदर लग रहा है देखने में, साथ में है जी इनके छोले, और साथ में इसमें भी मिला है रायता सलाद। और हमने तीनों प्लेट ले लिया है, एक में लिया आलू नान और एक में लिया मिस्सी रोटी और साथ में बटर रोटी। तो अब ज्यादा वक्त नहीं गवाते, अब टेस्ट करते हैं और आपको इस जायके का लुत्फ उठा के दिखाते हैं कि इसके जायके कैसे होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आलू नान से, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है और स्टफिंग अच्छी खासी है इसमें। ये देखो जरा, अभी मैंने कॉर्नर से लिया, बीच से नहीं लिया, और अच्छी खासी स्टफिंग है इसमें। तो शुरू करते हैं जी दाल मखनी से, जैसे कि अपनी फेवरेट है दाल मखनी, तो शुरुआत करेंगे दाल मखनी से। तो थोड़ा सा लेते हैं जी प्याज, अब इसके बाइट लेते हैं और आपको इस जायके का लुत्फ उठा के दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, आलू नान का जो खुद का स्वाद है ना वो है बेहद लाजवाब। मतलब अगर मैं नॉर्मल भी खाऊंगा मुझे बहुत पसंद आएगा, और ऊपर से दाल मखनी का तो स्वाद आपको पता है, ये मेरी फेवरेट डिश है, तो कहीं ना कहीं दाल मखनी पे मैं बह जाता हूँ। तो मैं खाली आलू नान के लिए बोलूँगा बहुत बेहतर है, और दाल तो ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। और अगली बाइट लेते हैं,
मिस्सी रोटी और साथ में लेते हैं जी पालक पनीर। तो ये देखो थोड़ा सा लेते हैं पनीर, क्या बात है, पनीर लिया साथ में लिया थोड़ा सी पालक। अब इसका टेस्ट देखते हैं इसका कैसा होने वाला है स्वाद। पनीर में कोई कंजूसी नहीं है, पालक पनीर का टेस्ट मतलब कहते हैं डिसेंट टेस्ट है। और जो ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो आ रहा है मिस्सी रोटी के साथ खाने में, मतलब ये जो है ना पालक पनीर और मिस्सी रोटी का जो थोड़ा कॉम्बिनेशन है वो मैच कर रहा है, उसे खाने में मज़ा आ रहा है, एक अच्छे जायके हैं। और मुझे जितना मज़ा आलू नान खाने में आ रहा था उतना ही मज़ा मिस्सी रोटी को भी खाने में आ रहा है। तो अभी सादी रोटी लेते हैं, बटर रोटी, मतलब अच्छे से बटर डाल के दिया है, हालांकि थोड़ी सी ठंडी हो गई है, लेकिन मज़ा भरकर आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो रोटी का क्रिस्प भरकर आ रहा है। अब अगली चीज़ लेते हैं जी शाही पनीर, अब एक बाइट लेते हैं और इसका जायका देखते हैं। ग्रेवी में एक हल्की सी मिठास जिसे खाने में मज़ा आ रहा है, सादी रोटी डिसेंट जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, सादी तंदूरी रोटी बटर रोटी है, और शाही पनीर का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, हल्की सी मिठास है, मतलब अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं खाना तो ये वो हल्का मीठा है और मज़ेदार है। और अगला लेते हैं जी पहले रायता, रायता देखो मतलब इसमें गाजर डाली हुई है और काफ़ी मतलब मसाले वसाले डाले हुए, इसमें टेस्ट करते हैं अब इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, ठंडा ठंडा है, मतलब इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा रायता एक अलग स्वाद है, एक अलग मज़ा है। तो लास्ट हमारे रह गए हैं छोले, तो एक बाइट छोले के भी ले लेते हैं साथ में आलू नान। तो ये देख लो छोले, ये छोले अगर मैं लुक्स की बात करूँ बाकी चीज़ों के मुकाबले छोले मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूँ दाल मखनी काफ़ी अच्छी लग रही है, शाही पनीर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और साथ में जो है पालक पनीर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मतलब ठीक ठाक लग रहा है। अब इसकी बाइट लेते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। टेस्ट की बात करूँ टेस्ट बहुत मसालेदार है, मतलब एक मज़ा आया इसे खाने में ना। हल्के स्पाइसी हैं, अगर आप थोड़े चटोले किस्म के उम्मीदवार चटकारे लेने वाले तो ये छोले खाने में मज़ा आएगा, मतलब ये डील मेरे को बहुत पसंद आई है। मतलब आपको ये चार सब्जियों के ऑप्शन मिलते हैं और आप कोई भी दो चूज करके इस थाली को अनलिमिटेड खा सकते हैं और वो भी मात्र 120 रुपए में। कोई भी दो सब्जी लो, चाहे आप दाल मखनी शाही पनीर या छोले या पालक पनीर, और रायता आपको साथ में मिलेगा, सलाद आपको मिलेगा, ब्रेड्स में आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये सब आपको मिलेगा अनलिमिटेड 120 रुपए में। तो इस सबको मैं फिनिश करता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको चारों में से कौन सी सब्जी की लुक ज़्यादा अच्छी जो देख के आपको मज़ा आया और क्या आप आगे ट्राई करना चाहोगे। तो इस सबको मैं फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ किसी नई जगह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आपको है हमारे स्वाद पे यकीन तो जाके सब्सक्राइब करें डेली फूड शौकीन। तो मिलते हैं किसी नई जगह कुछ ऐसे ही लाजवाब और कुछ ऐसे ही चटपटे जायकों के साथ।